ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समाप्त प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1989 को एक 1949 को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हुए जय भीम जय बुद्ध जय भारत जय संविधान। थैंक यू संविधान। थैंक यू कृपाली। सभी को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम मीनाक्षी ढोक है, मैं एक उद्योजिका हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन देने हेतु मुझे जांभोळे सर ने प्रेरित किया, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद समन संघ वी द पीपल की कंसेप्ट प्रस्तुत करने हेतु प्राध्यापिका विशाखा कासारे मैडम, इनको मैं विनंती करती हूँ। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज समन महिला विशेष दिन के उपलक्ष्य में मैं प्राध्यापिका विशाखा कासारे समन संस्कृति के बारे में मैं अपनी भूमिका रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जांभोळे सर ने प्रोत्साहित किया, इसके लिए उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी बहन जी आ रही है। समन संस्कृति यह बुद्ध के पहले की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में यह एक संप्रदाय रहा है और यह एक आचरण शैली भी रही है। भारतीय धरातल में प्राचीन जीवन शैली के दो पक्ष जाने जाते हैं, एक समन और दूसरा ब्राह्मण। समन माने खुद के श्रम पर अपनी उपजीविका करने वाले तथा समाज के दुख दर्द का जवाब ढूंढने वाले। इसके लिए वह घर संसार का त्याग करेंगे, खेतों जंगलों में जाएंगे, सोचेंगे समाज की समस्याएं क्या है और उसका कारगर हल क्या हो सकता है, समस्या का उपाय क्या हो सकता है। बुद्ध तथा जैन धर्मों में ऐसे कई समन हो गए हैं। कहते हैं कि बुद्ध के पहले 23 बुद्ध हो चुके हैं। आज उसका अर्थ यही निकालना पड़ेगा कि वह समाज की समस्याओं के हल में तत्वचिंतन करने वाले तत्वज्ञानी महामानव थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि भारत का इतिहास बौद्ध तथा ब्राह्मण इनके संघर्ष का इतिहास है। यही समन संघ बुद्ध काल के पश्चात बुद्धिज्म करके जाना जाता है। समन संघ में ईश्वर का स्थान नहीं के बराबर होता है। इस संप्रदाय में वैदिक ब्राह्मणिज्म के विरुद्ध कर्म सिद्धांत का अर्थ निकाला जा सकता है। इसका मतलब जीवन में यदि अच्छा काम करोगे तो इसी जीवन में इसके अच्छे फल पाओगे। यानी जीवन में यदि सुख समाधान चाहिए तो अच्छे काम कीजिए। हमारे दुख दर्द का कारण हम मानव समुदाय ही है और कोई बाह्य शक्ति नहीं है। समन संघ का दूसरा आचरण यह था कि हमें नियंत्रित करने वाली शक्ति बाहरी शक्ति नहीं हो सकती। मतलब हमें नियंत्रित करने वाला कोई भी बाहर का शक्ति स्थल नहीं होता है। हमारी आंतरिक शक्ति ही हमारे
सभी क्रियाकल्पों को नियंत्रित करती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी की मदद करेंगे तो वह व्यक्ति हमारे संदर्भ में अपनी अच्छी राय प्रकट करेगा और फलस्वरूप हमें सुख भी देगा। मतलब हमारे सुख का कारण हमारा व्यक्तिगत आचरण ही है। दूसरी बात, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यह संघ का अहम तत्व है। मानव समुदाय को उन्नत करने वाला विचार सबसे पहले तथागत बुद्ध ने किया। तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले 5 भिक्षुओं को प्रथम धर्मोपदेश दिया था। उसे धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। यही प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन है। उनके समय मीन्स बुद्ध के समय मानवी तथा पशु पक्षियों की हिंसा चरम सीमा पर थी। पशु तथा मानव का यज्ञ करके उनकी हिंसा करो, लोगों को खिलाओ और पुण्य कमाओ, ऐसी स्थिति बुद्ध के समय पर थी। अतः बुद्ध ने इस हिंसाचार और अनाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया तथा समूचे मानव समाज को ईश्वर, देव, कर्मकांड इनके शिकंजे से मुक्त करने के भरपूर प्रयास किए। इसलिए तथागत बुद्ध को वैदिक ब्राह्मणिज्म को नष्ट करने का श्रेय दिया जाता है। बुद्ध का सबसे बड़ा काम यदि कोई है तो वह ईश्वर के अस्तित्व को नष्ट करना यही है। ऐसा भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन इन्होंने कहा था। बुद्ध ने नारी समाज की मुक्ति, सामाजिक आर्थिक तथा राजकीय स्तर पर समानता, सबको शिक्षा का अधिकार, यही सभी सुधारणाएं समन संघ के मूलभूत कामों के तहत बुद्ध ने उस समय किए थे। इसलिए बुद्ध को मानसिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यही सब काम समन संघ के महामानव ने अपने अपने समय में किए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने विश्व को कल्याणकारी राज्य दिया, पशु पंछियों तक जाने वाला पहुंचाने वाला मानवतावाद दिया, समाज के सभी लोग समान हो ऐसा समाजवाद दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वह बुद्ध के अनुयायी थे तथा इसके साथ साथ वह समन संघ के पक्षकार भी थे। सम्राट अशोक के बाद बुद्ध धर्म को वैदिक ब्राह्मणिज्म ने बड़ी क्षति पहुंचाई। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट जो भिक्कू वर्ग थे उनको नष्ट कर दिया गया, बड़ी तौर पे हिंसा की, बुद्ध धर्म की पहचान निरस्त कर दी। लेकिन बुद्ध धर्म के चिन्ह आम समाज में अच्छे लोगों में बड़ी संख्या में मौजूद थे। लोग बुद्ध धर्म का प्रसार दहशत की वजह से प्रत्यक्ष रूप से तथा खुलेपन से नहीं कर पा रहे थे। इसका उपाय लोगों ने ढूंढा और वह संत संप्रदाय के रूप में समाज में आम लोगों की बात करके मानव समाज को उन्नत करने का, आम जनता के दुख दर्द को समझ के अच्छी सुगति मिल सकती है, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। इस तत्व का प्रचार प्रसार करने लगे, उसी को संत संप्रदाय माना जाने लगा। इसमें कबीर, नामदेव, तुकाराम ऐसे संतों ने भारतीय समाज में बड़ा योगदान दिया है और आम जनता को वैदिक ब्राह्मणिज्म से बाहर निकालने का भरपूर प्रयास किया है। संत संप्रदाय के पश्चात क्रांतिबा ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले का शैक्षणिक और सामाजिक कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में प्रेरणादायी एवं आकाशदीप की तरह पथदर्शक है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन कार्य में उनकी पत्नी सावित्रीबाई का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले की पत्नी थी,
महात्मा फुले ने उन्हें पढ़ाया और एक अध्यापिका बनकर सावित्रीबाई ने अध्यापन का काम किया। इतिहासकारों ने सावित्रीबाई के कार्यों को केवल इतना ही उल्लेख करके संतोष मान लिया है। लेकिन जिस समाज और काल में सावित्रीबाई ने नारी की मर्यादा और संकीर्णता को तोड़कर स्त्री शिक्षा के कार्य में अपने पति को जो सक्रिय योगदान दिया, उससे सिद्ध होता है कि 19वीं सदी में भारत में जिन क्रांतिकारी महान नारियों में जन्म लिया, उनमें सावित्रीबाई अग्रणी है। सावित्रीबाई फुले ने समाज के समूचे शोषण पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने प्रकृति को निर्मिक करके सामने किया और पिछड़े समाज को शिक्षा के अवसर प्रदान किए। उनका यह क्रांतिकारी कार्य समन संघ के पक्ष का कार्य है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने समन संप्रदाय के कार्य को फिर से पुनर्जीवित किया और पिछड़े समाज का उन्नयन करने से ही भारतीय समाज का उन्नयन हो सकता है, ऐसा यह नया तत्व 19वीं सदी में भारतीय समाज के सामने रखा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। यह घटना इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समूचे आंदोलन का यदि हम अध्ययन करें तो महाड़ सत्याग्रह से लेकर नारी मुक्ति का आंदोलन तथा कालाराम मंदिर के सत्याग्रह से लेकर बुद्ध धर्म की दीक्षा तक का सभी काम इसी दिशा में है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए समन संघ का महत्व 21वीं सदी में भी आधुनिक समाज को तथा नई नस्ल को समझाने की आवश्यकता आज के इस प्रतिकूल गर्म हवा में बहुत ज्यादा है। ऐसा लगना स्वाभाविक है, समन संघ को फिर से जीवित करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसके लिए समाज के धरातल में निर्माण करना, इस अनिवार्यता को समझने की मानसिकता हमें फिर से निर्माण करनी होगी। इसीलिए ही इस समन ग्रुप के तहत इन प्रोग्राम्स के आयोजन किए जा रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी के लिए ये समर्पित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ऐसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए प्रोग्राम्स आयोजित होते रहे। ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैं आयोजकों को आभार व्यक्त करती हूँ, जांबुले सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। रूपाली पुणे से है, मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ और आपसे एक बात शेयर भी करना चाहती हूँ कि कृपाली यह जांबुले सर की बहू है और जो तीन बच्चियां छोटी छोटी दिख रही थी आप लोगों को, वो हमारी महिला क्रांति परिषद है। क्योंकि 1942 की महिला क्रांति परिषद जो है वो आप सभी को पता होगी, क्योंकि भारतवासियों को और अम्बेडकरी विचारधाराओं के लोगों को ये बात पता नहीं चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1942 में महिला क्रांति परिषद हमारे नागपुर के कस्तूरचंद पार्क, जो कि मोहन पार्क था उस वक्त, वहां पर ली थी और उसके 75 सालाने अमृत महोत्सव जो था वो अमृत महोत्सव हम लोगों ने नागपुर वासियों ने, जिनके हमारे प्रेरणा स्थान है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के भैया जी खैरकर और उन्हीं के साथ संधागार फाउंडेशन के जांबुले सर जो रीजनल डायरेक्टर महाराष्ट्र एंड गोवा एनएसएस है, वो हमारे प्रेरणा स्थान है और इन दोनों ने नागपुर में बहुत बड़ी महिला क्रांति परिषद हमने 2017 में ली थी और वो 2017 में यहाँ पर पूरे भारत के लोग आए थे दिल्ली तक लेकर और हमने कम से कम 50 सभाएं ली थी पूरे साल भर में 6-7 महीने में। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं का दिन है, महिलाओं का आज का पूरा कार्यक्रम है, तो सभी महिलाओं ने, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों ने ये जान लेना चाहिए कि नागपुर वाले लोगों ने 2017 में 1942 महिला क्रांति परिषद जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ली थी नागपुर में, उसकी क्रांति परिषद 3 दिन का सम्मेलन
परिसंवाद सब बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया था। 3 दिन पवित्र दीक्षा भूमि नागपुर में यह कार्यक्रम हुआ था और इनमें जो कुछ भी सभी महिलाएं अभी आपके सामने आने वाली है वो भी महिलाएं जुड़ी है और इनको जुड़ाने का काम किया है जांबुले सर ने, इसलिए जांबुले सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपन आज का प्रोग्राम का एक सुरेख ऐसा नमन गीत यहाँ पर होने जा रहा है और जो अहमदाबाद से हमारी अनिता मेघराज जो अनखेड़े है जो ये गीत आपके सामने अभी पेश करेंगी और वो गीत को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अहमदाबाद से अनिता मेघराज वानखेड़े इसको। थैंक यू ताई, जय भीम जय भीम जय भीम, सभी को जय भीम नमोदय। मैं अनिता वानखेड़े आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने वाली हूँ। ज्ञान सूर्य तो इस जगत का भीम राव महान, ज्ञान सूर्य तो इस जगत का भीम राव महान, भारत भू की क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम 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 प्रणाम। अमृत कुंड महाड़िका खुला किया शोषितों के लिए भीमराव ने, अंधकार में जीवन उज्ज्वल किया ज्ञान के प्रकाश से भीमराव भीमा भाई और राम जी वे 14वे रत्न महान, भारत भू के क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम 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 प्रणाम। हिंदू कोड बिल सादर करके स्त्री हकों की रक्षा की गोल मेज परिषद में जाकर मानवता की रक्षा की, ज्ञान सागर प्राशन करके गुंगे को दिलाई जुबान, भारत भू के क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम 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 प्रणाम। स्वतंत्रता का समानता का बंधु भाव और न्याय नीति का पंचशील भाव जो बना कर, पंचशील भाव जो बना कर संविधान लिखा भारत का, भारत रत्न है वीरा विश्व के है युग पुरुष महान, भारत भू के क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम।
साधारण पंथ। वीणाताई सुरू करा। एक एक मिनट। हेलो येतोय आवाज? हेलो हाँ आवाज आ रही है। हाँ सबको जय भीम। और ये जो गाना है मराठी में है लेकिन आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तो ये जो सॉन्ग है वो मराठी में है लेकिन या जननी निर्वाण
इसका मैं आभार शुक्रगुजार हूँ। चोलापुर से मैं प्राचार्य मीना गायकवाड़, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। जय भीम, साधु साधु साधु। बड़ा अच्छा गाना था मैम, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर मैडम, बहुत ही सुंदर, एकदम मधुर आवाज में आपने मंत्रमुग्ध कर दिया सभी को। और तथागत गौतम बुद्ध से हमारा उत्कर्ष है, विज्ञानवादी हमारा धम्म, सभी को नैया, सभी के नैया पार कर सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुद्ध है कोहिनूर जगत का, खून जाए संभालो इसे, क्योंकि ये हमारा कोहिनूर है, ये हमारा तत्व ज्ञान है, ये कहीं खो ना जाए, इसलिए हम लोग सब जुड़े हैं और जुड़ के रहेंगे। और जो कुछ लोग नए जुड़े हैं वो सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप हैंड रेज करें और अपना परिचय दें। हाँ मीना मैम, हेलो, हाँ बोलिए मैम। हाँ मीना मैम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैं गीता, हाँ मैं गीता गौरिया बोल रही हूँ गुड़गांव से। और मैं ये कह रही हूँ कि ये गाने का ना सिर्फ बड़ा अच्छा था गाना तो, लेकिन ना ये जीरो आवर में रखेंगे आप, अभी तो जो नए पर्सन आ रहे हैं ना, जो अपनी बहने भाई, उनका अपना इंट्रोडक्शन रखेंगे अभी तो, परिचय। हाँ मेरी बात का माइंड ना करें, क्योंकि अभी 10 बजे के बाद रखेंगे ये वाला सेशन। कौन सा? ये गाने का, जैसे जो बहन इतना अच्छा गाना गाया, उन्होंने मैसेज दिया। यस, मैंने भी अभी कहा है कि जो कुछ भी जुड़े जुड़े लोग हैं, उन्होंने हैंड रेज करके अपना इंट्रोडक्शन दे। दयाल, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। हाँ जी भाई साहब, आप अपना वीडियो जरा ओपन करोगे? जी करूंगा, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ जी, आप बोलो, आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश, जिला लखीमपुर खीरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और भाई साहब क्या काम करते हो? नौकरी करते हैं। अच्छा, और आपको ये लिंक कहाँ से मिला? जुड़े थे, उसी से लिंक मिला था हमको। अपना नाम भी बता दो सर। चलो ठीक है, अपना अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए और बने रहिए आप। नाम तो पूछूं मैं बहन जी? हाँ जी हाँ जी भाई साहब, नाम क्या? गौतम गिरिवर दयाल। गौतम गिरिवर दयाल, ओके। नंबर जरूर डालना भाई साहब, और 9 बजे कंसेप्ट आएगा उसको सुनना। हाँ जी, महिलाएं हूँ तो उनका परिचय करा दी। आपके साथ में कुछ महिलाएं हूँ तो परिवार की, थोड़ी देर करवा। अरे भाई, कभी कभी आज 10-20 तारीख 10-20-30 तीन डेट महिलाओं की होती है। अच्छा, अभी मैं करवा रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ अभी, हाँ कराओ, करो पापा जी, करो पहले। हाँ जी बहन जी, जय भीम तो करो। जय भीम, जय भीम। हाँ जी, जय भीम नो बुधाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि है। सुरभि, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका। हाँ जी सुरभि जी, और कैसे हो सुरभि जी? हाँ सब बढ़िया है, पूरा अपना विदा पीपल। 10-20-30 तारीख को ना अपना महिलाओं का स्पेशल होता है, ये मीटिंग हो रही है जूम ऐप पे, और आप भी जुड़ा करो भाई सब के साथ, ठीक है ना? और 9 बजे कंसेप्ट आएगा, हम क्यों जुड़े हुए वो बताया जाएगा, ठीक है ना? आज पहला दिन है। जी जी, हाँ चलो कोई बात नहीं भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है, जुड़े रहो। मन्नत हो सबको, सब मन्नत हो। अरे
मन्ना अरे बोलना सबको सपरेट सबको सपरेट जय भीम जय भीम मैम जय भीम मैं काल में बुला रहा था बैठूंगी ना ताकि सोफे पे बैठूंगी ना भाई अपना माइक बंद माइक माइक हाँ अपना बंद रख कर लो हाँ जामुले मैम नमो बुद्धाय जय भीम सर डेली जुड़ते हैं हाँ जी और सर तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं हमें आज अपना महिलाओं का स्पेशल है तो हाँ जी अच्छा लगा आपको देख के गीता गोरी मैम हाँ जी हाँ जी जामुले सर की टीम है सर बहुत बहुत साधुवाद आपका किसी के मोबाइल की वाइब्रेशन की आवाज आ रही है कृपया अपना माइक बंद कर ले सर किसी के मोबाइल की वाइब्रेशन की आवाज आ रही है थैंक यू थैंक यू बहुत देर से आ रही बहन जी कंटिन्यू करें उर्वशी का हैंडरेज है उर्वशी जी और दिनेश जी दिनेश कुमार और उर्वशी सिंह का हैंडरेज है हेलो हाँ जी अच्छा उर्वशी जी सभी को नमो बुद्धाय जय भीम सुषमा जी अमरोहा से सुषमा जी बोलिए मैं सुषमा जी बोल रही हूँ सुषमा मेरे को तो उर्वशी अच्छा अच्छा हाँ जी बोलिए सुषमा जी मैं आपकी मीटिंग सुनती हूँ बहुत अच्छा लगता है और आज विशेष महिलाओं की मीटिंग है मुझे बहुत अच्छा महिला विशेष हाँ जी महिला विशेष है हाँ और जब मुझे टाइम मिलता है मुझे मैं जुड़ती हूँ मैं सुनती हूँ सभी बात मुझे बहुत अच्छा लगता है चलो बड़ी अच्छी बात सुषमा जी अमरोहा से हमारे स्पोक हैं जयवीर सिंह जी उनकी मिस जय भीम नमो बुद्धाय अच्छा अच्छा जयवीर जी की मिसेज है ओके जी ओके ओके सुषमा जी जुड़े रहना आप ठीक है ना ठीक है हाँ जी हाँ जी चलो थैंक यू जी मीना जी आप भी बुला लो आगे मीना जी हेलो हाँ जी वीना जी आप भी बोलो महाराष्ट्र से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र से हेलो वीना जी या वीना जी बोल रहे हैं मैडम जी राउत मैडम हाँ हाँ मैम हाँ मैं बात कर मीना जी बोल रहे हैं या वीना जी बोल रहे हैं मैं राउत मैम बोल रही राउत मैम बोल रही ठीक है आपके बाद में बोल रही ठीक है नहीं नहीं मेरा बोलना हो गया आप मुझे कुछ बोलना नहीं है मैं तो एंकरिंग कर रही हूँ हाँ परिचय देना है ना बोले थे ना मैडम हाँ तो मेरा परिचय तो मैंने कल दे ही दिया था ओके मैं एक्चुअली नागपुर से हूँ और जांबुले सर ने हम मुझे जुड़ाया है और आज जांबुले सर ने स्पेशली इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स डाले हैं आज के प्रोग्राम के ऊपर और जांबुले सर ने सभी नागपुर की महिलाओं को नागपुर पूना सोलापुर और अहमदाबाद ये सभी महिलाओं को जुड़ाया है और हमारी अभी 9 बजे के सेशन में भूमिका एक्सप्रेस करने के लिए हमारी प्राध्यापिका आने वाली है विशाखा कासारे मैडम और सभी महिलाएं जुड़े हुए हैं आज और हम नागपुर में बहुत बड़ी क्रांति हम लोग करते हैं हमेशा सोशल प्रोग्राम्स लेते हैं और हमारी 1942 महिला क्रांति परिषद समिति ये बहुत बड़ी समिति है और हम यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करते हैं नागपुर में तो यही मेरा परिचय है मैं एक लेक्चरर हूँ मेरा सोशियोलॉजी और मराठी है सोशियोलॉजी में मेरा PhD हुआ है और मराठी में मेरा नेट हुआ है और बाकी कुछ छोटा मोटा लिख लेती हूँ वेरी गुड मैम अच्छा लगा जी परिचय दीजिए मैम मैम मैं ज्योति हूँ दिल्ली से मैं निक्की जनागर ऑफ चंडीगढ़ से उनके रेफरेंस से हूँ मैं
अच्छा जी अच्छा प्लीज दिल्ली में कहाँ से बहन जी नजफगढ़ के पास मित्राऊ किस्मत क्या लगा लिखो मित्राऊ गांव से है हाँ जी मैम हाँ मित्राऊ ओके क्या करते हो मैम हाउसवाइफ अच्छा नंबर डाल देना बहन जी अपना नंबर ज्योति मैम हेलो मैम मैम ये मेरी मामी जी हैं अच्छा 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 हाँ मेरी रिकॉर्ड हो रही है रिकॉर्ड हो रही है ज्योति जी हाँ जी मैम अपना नंबर ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए ठीक है ना पहली बार जुड़े हो ना आज हाँ जी मैम फर्स्ट टाइम हाँ जी तो ज्योति जी अपना नंबर चैट बॉक्स में जरूर डालना ठीक है ना हाँ जी मैम जी हाँ चलो अच्छा लगा आप बने रहिए हाँ जी मैम हाँ जी ओके जी ये दीप शिखा जी का एंड्रेज है दीप शिखा जी योगेंद्र सिंह का योगेंद्र सिंह का भी एंड्रेज है काफी समय से जी बोलिए बोलिए बहन जी बोलिए शिखा जय भीम नमो बुद्धाय सर सभी को जय भीम नमो बुद्धाय मेरा नाम दीप शिखा है मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ अच्छा जी मुजफ्फरनगर से दीप शिखा जी क्या करते हो अभी तो हाउसवाइफ हूँ एमबीए किया है मैंने वेरी गुड और लिंक कहाँ से मिला आपको मामा है मेरे उन्होंने किया था नकुल कुमार गौतम बिजनौर से अच्छा जी वो पहले से जुड़े हैं नकुल जी हाँ जी हाँ प्रदीप सिखा जी अपने नंबर ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए ओके मैम ओके और बने रहिए और रोज जुड़ा करो ना आप डेली आता है डेली प्रोग्राम होता है 10-20 तो स्पेशल महिलाओं के लिए लेकिन बाकी डेली जुड़ते हैं आप भी जुड़ो अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है यहाँ पे जो हमने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी ना नहीं सुनी ऐसी ऐसी चीजें मैं मीना गायकवाड़ अभी मैंने जो गाना सुना है वो मैं मीना गायकवाड़ अरे वाह बड़ा अच्छे आवाज बड़ी अच्छी मैम आपकी बहुत ही बढ़िया सुरीली आवाज थैंक यू जी बहुत ही बढ़िया हमेशा हमारे संपर्क में रहते उन्होंने ही हमें ये लिंक दी है और कल से मेरे जो फ्रेंड्स है उनको भी मैं सेंड करूंगी थोड़ा सा काम में आज व्यस्त थी इसलिए मैं जरा देर से फोन पे आई कल से मैं मेरे जो फ्रेंड्स है शोलापुर में उनको भी मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है थैंक यू मैडम जी ओके अपना नंबर चैट बॉक्स में जरूर डाली मैम यस मैडम जी यस और 10 बजे के बाद ना फिर हम फिर और गाना सुनेंगे आपसे आपकी आवाज बड़ी अच्छी वाक्य में ओके ओके थैंक यू मैडम जी वेलकम जी वेलकम योगेंद्र सिंह आइए योगेंद्र सिंह देखते हैं योगेंद्र हाँ हाँ योगेंद्र सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है वो माइक अनम्यूट कर लो अपना हेलो हाँ मैम बोलिए मैम हाँ मैं मंजू गौतम बोल रही हूँ हाँ आवाज आ रही है हाँ जी आ रही है आवाज मंजू जी हाँ मंजू गौतम बोल रही हूँ मैं वसुंधरा गाजियाबाद से अच्छा 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 हाँ जी मैं आपका प्रोग्राम देख से लिंक मिला मैम आपको मेरे को वेद प्रकाश जी से मिला बिजनौर अच्छा जी अच्छा ओके मैम पहली बार जुड़े हो मैम मंजू जी आपका वो माइक अनम्यूट हो गया हाँ अब आ रही है हाँ जी आ रही है मैं कह रही पहली बार जुड़े हो आप हाँ पहली बार जुड़ी हूँ लेकिन मैं प्रोग्राम तो रोज देखती हूँ आपका अच्छा लगता है सुनती हूँ मैं अच्छा जी अच्छा पहली बार ही हूँ हाँ नंबर जरूर डालना मंजू जी चैट बॉक्स में बड़ी अच्छी बात और वर्किंग हो जॉब में
नहीं नहीं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ यानी 24 वर्किंग 24 आवर वर्किंग है। सही बात, यही काम है हम लोगों का। हाँ जी, नंबर जरूर डालना है चैट बॉक्स में। असली शक्ति जरूर डालना जो हाउस वाइफ है जिनकी बदौलत हम लोग कर पा रहे हैं। थैंक यू, सही बात है जी। चलो थैंक यू, अच्छा लगा प्रोग्राम आपका, अच्छा लगता है मेरे को। नहीं अपना सबका ही प्रोग्राम है, अपना सबका है प्रोग्राम। सही बात है, सभी का हम लोगों का ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम हमारे परिवार के अधिकतर सभी लोग जुड़े हुए हैं। ओके मैम, मैम पट्टे कराइए। हाँ मंजू गौतम मैम, नहीं बाकी परिवार के सदस्यों से, ये मैम कह रही है बाकी परिवार के सदस्यों से मिलवाओ। हाँ रश्मि गौतम है मुरादाबाद से, उसने भी किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, छोटी। अच्छा कल ही बात हुई है उनसे। ओके जी, ओके ओके। रश्मि जी छोटी बहन है वो मेरी। हाँ जी, अच्छा अच्छा। और वेद प्रकाश जी तो है ही, सबको उन्होंने जोड़ा हुआ है अधिकतर। ओके थैंक यू मैम, हाँ बने रहिए। हाँ जी जरूर, हैंड रेज ले ली। हाँ जी रण, ये क्या हैंड रेज देखना पड़ेगा। रणधीर सिंह का हैंड रेज है। सभी को जय भीम, नमो बुधाए। हाँ जी नमो बुधाए। वैसे हाँ जी मैं डेली जुड़ता हूँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपने एंडरेज कर रखे है ना, तो इसलिए हमने सोचा कुछ बोलना होगा आपको। जी जी हाँ डेली सुनता हूँ। काफी लोग, अच्छा काफी लोगों को मैं ये लिंक भेजा है लेकिन जुड़े नहीं। मैं टेलीफोन पे भी गया लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जुड़ जाएंगे भाई साहब, जुड़ना ही पड़ेगा उनको आर के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैडम का इंट्रोडक्शन कराओ जरा। ठीक है मैडम, कराता हूँ। हाँ जी हेलो, जय भीम। हाँ जी जय भीम, नमो बुधाए। सभी कैसे हो? ठीक है जी मैडम जी, आप भी ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। हाँ सुन रहे हैं जी, मीटिंग बैठे हैं सभी। हाँ ये मेरी अच्छा अच्छा, डेली सुनते हो? हाँ जी डेली सुनते हैं। अच्छा बड़े, चलो बड़ी अच्छी बात। सभी समझ आ रहा है? हाँ जी बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं। अच्छा वैसे कैसे लगता है मीटिंग में? कंसेप्ट सुनते हो? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ बस ये समझ आना चाहिए, समझ आ रहा है बस, तो फिर अपने आप ही अच्छा लगता है। हाँ हमें तो समझ में आ गया मैम, अगर सर हो रहे हैं आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग गया, बता भी रहे हैं। चलो बड़ी अच्छी बात जी। हाँ क्योंकि अच्छा, अच्छी बात है ना, बहुत लेट समझ आती है अच्छी बातें। टाइम उनको पता नहीं, ये होता है कि पता नहीं इनको क्या मिलेगा भाई, किस लिए इतना फोर्स कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, बताते बिल्कुल यहाँ सभी, यहाँ हमारे आस पास है कुछ भी टीचर्स वगैरह हैं सारे, मतलब इम्प्लॉयज हैं, सभी को समझा रहे हैं, लेडीज को बता रहे हैं। हाँ अपने समाज से हैं सभी को, लेकिन उनको ये लगता है पता नहीं इनको क्या भाई क्या मिलेगा इससे, क्या फायदा होगा, वो रिस्क नहीं ले रहे। लेंगे, टाइम लगेगा, लेंगे जरूर। जब जूम ऐप की हम बात करते हैं ना, वो नेटवर्किंग की भी है, दो सोच रहे हैं कि कोई ये मल्टी वो कर रहे हैं, ये कोई नेटवर्किंग का कोई बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, ये होता है उनको कि ये बोलते हैं ना भाई कोई पैसा नहीं लेगा, और कहीं बुलाते नहीं आपको, अगर किसी को टाइम है तो जाओ मीटिंग वगैरह में, और कहीं बुलाते नहीं आपका, कोई किराया वगैरह नहीं लेते आपसे, कोई चंदा नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, ये बोलते हैं। अब थोड़े से दिन के बाद है ये, बाद में पर्ची काटने लग जाओगे, बोले थोड़े दिन ऐसे ही करते हैं सभी, चौचले करते हैं थोड़े दिन। हाँ राइट राइट, लेकिन हाँ उनका ये गलत फहमी हो रही है, जो पहले से ही बेचारे पके पकाए उनका कसूर नहीं है। हाँ जी उनका कसूर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि करवाएंगे धीरे धीरे, और घर घर जाके बता रहे हैं, करते नहीं है, शाम को देखते हैं ना, उससे जुड़ते नहीं भी। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, आज पक्का जुड़ेंगे, लेकिन शाम को देखते हैं ना, आते ही नहीं। उनको ये है कि अब पता नहीं कब पर्ची ठाके कापी ठाके आ जाएंगे, 500 की पर्ची काटेंगे, 1000 की पर्ची काटेंगे।
एड्रेस अगर फोन नंबर याद चला। मैम आप हमारे साथ बनी रहे और जब भी पर्ची काट के हम दरवाजे पे पहुंचे तो आप हमें उल्टा दौड़ाइएगा, ठीक है? नहीं मैडम, ये तो हमें तो चलो इस चीज का पता है। थैंक यू, थैंक यू, अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। ओके जय भीम मैडम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो। दिनेश कुमार चरण सिंह जी, जो भी लोग सुन पा रहे हैं तो अपना परिचय दीजिए प्लीज। बहन जी एक दीपिका, उनका परिचय करा लीजिएगा। हाँ जी बोलो, बुला लो दीपिका। हाँ मैम, हाँ दीपिका। हेलो, जय भीम नमो बुद्धा, जय संविधान। हेलो हेलो, जय भीम नमो बुद्धा, जय संविधान सभी लोगों को मेरा। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धा, जय संविधान। बोलिए दीपिका जी। हाँ मैं आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि काफी दिन के बाद भी जुड़ी हूँ और कुछ कहना भी चाहती हूँ थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धाय। मैम आवाज ना वो गूंज रही है। अच्छा, हाँ जी, बोल रही हूँ। मेरा नाम राजेश रानी है और मैं आंगनवाड़ी हूँ। क्या नाम बताया? मैं जुड़ी थी मैं। मेरा नाम राजेश रानी है। अच्छा राजेश रानी, अच्छा जी राजेश जी। हाँ जी, कहाँ से मैम? ये मुरादाबाद में पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मुरादाबाद में, ठीक है। पहले जुड़े हुए तो, लेकिन आज भी अपना नंबर है चैट बॉक्स में जुड़ा लिया। लिंक कहाँ से मिला आपको? ये हमारी बहन है हसनपुर में। अच्छा जी, ओके जी, ओके ओके, ठीक है। अपना नंबर दोबारा डाल देना मैम चैट बॉक्स में आज, ठीक है ना? और आप ये आपका माइक अनम्यूट हो गया। जी हो, बोलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, चैट बॉक्स में नंबर डाल देंगे। जी डाल देंगे। ओके जी। और चरण सिंह जी आपके हैंड रेज है। श्रीमती शर्म, श्रीमती शर्वन अपना माइक अनम्यूट करिए और बात करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मैम। जय जय नमो बुद्धाय, जय संविधान मैडम। हाँ जी, मैं जुड़ती तो रोज ही हूँ। कम से हाँ जी, डेली देखते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लेते हैं। आज बिटिया भी जुड़ना चाह रही है, बोलना चाह रही है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात किया। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रेनी, मैंने अभी जस्ट पीएचडी करी है सबमिट, और मम्मी कह रही थी तो आज मैं भी इंट्रोडक्शन दे रही थी। अच्छा, वेरी गुड। बेटा कौन से सब्जेक्ट से करी है? मेरा बॉटनी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मम्मी तो डेली जुड़ती है, आप भी मम्मी के साथ डेली मत जुड़ो, पढ़ो लेकिन सुनते रहो, बीच में कंसेप्ट ही सुन लिया करो, बस वही बहुत है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, चलो अच्छा लगे बेटा, वेरी गुड। बच्चे सुनते तो हैं, थोड़ी बहुत देर साथ बैठते हैं। हाँ मैम, बड़ा अच्छा है। चलो कंसेप्ट का टाइमिंग बच्चों को सुना दिया करो, बाकी तो चलता ही रहता है अपना वो परिचय तो, लेकिन कंसेप्ट के टाइम बता दिया करो भाई। हाँ सुन लो आप थोड़ी देर, आधा एक आधा पौन घंटा जो भी आता है उस टाइम। संजय रानी जुड़ी है हमारे साथ में। संजय रानी जी, डॉक्टर कंचन लता जी। जी सर। हेलो, संजय मित्रा जुड़े हुए, जरा देखना कौन है संजय मित्रा। जी सर, इनवाइट करें आप सर। नहीं नहीं, मैं मुझे पता नहीं है, मैं देख रहा हूँ संजय मित्रा कौन है, जरा देखें बुलाएंगे। संजय मित्रा नहीं, संजय रानी तो है। संजय मित्रा एक। हेलो, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ जी, हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संजय रानी बोल रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ओके जी, ओके, कहाँ से बोल रहे मैम? बिजनौर से, जयप्रकाश जी। अच्छा जी, अच्छा जी,
विद लस्ट। आज पहली बार जुड़ी है मैम? हाँ एक बार और इंटरनेट चल गया था। आपकी माइक में बहुत डिस्टर्बेंस है। डबल डबल मोबाइल से जुड़े हुए हैं, थोड़ा मोबाइल में दूरी बना के रखें सर। हाँ वो जुड़ा। नाम बता देना। कहाँ से हो? मैं प्रेमलता गौतम बोल रही हूँ। अच्छा, मैं गाजियाबाद से। ओके जी, हेमलता जी क्या करते हो? प्रेमलता जी मैडम जी। आप जो रोज जुड़ा करते हो, ठीक है? वाह बड़ा अच्छा नाम है प्रेम। प्रेम हाँ जी। प्रेमलता जी और हम लोग गाजियाबाद से जुड़े हैं। आज ही पहली बार लिंक मिला है श्री कृष्ण जी भैरमपुर से, जिन्होंने ये लिंक दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और ये मेरी वाइफ है। आज उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन दिया था कि आज महिलाओं की एक मीटिंग है, तो अपनी वाइफ को लेके आइएगा। तो ये उनकी लड़की है और थोड़ा शर्मा रही है, लेकिन मैंने कहा इस मीटिंग में शर्माओ मत, डायरेक्ट बात करो। ये नहीं है, आप लोगों के लिए है। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम यहाँ पे। थैंक यू जी। हाँ जी, और अपना नंबर चैट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है ना? और हमारी रिक्वेस्ट है कि और जिन्होंने आपको जोड़ा उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, और आप डेली 9 बजे कंसेप्ट आता है वो जरूर सुनना आपने, ठीक है ना? जी 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 जरूर। थैंक यू जी। किरण टाक जी, किरण टाक आपका हैंड रेज है। हेलो जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। जय भीम नमो बुद्धाय। आज पहली बार जुड़ी हैं? आपका माइक म्यूट हो गया शायद, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं मैम। हाँ जी पहली बार ही सुनी हूँ। आवाज आ गई? हाँ जी आ गई। अच्छा मैडम। हाँ जी किरण जी, कहाँ से हो? हरियाणा। हरियाणा। अच्छा। और किरण जी क्या करते हो? बस हाउसवाइफ हूँ जी। अच्छा, हाउसवाइफ तो बहुत बड़ा काम है। और अपना चैट, ये लिंक किसने दिया आपको, कहाँ से मिला लिंक? मेरे हस्बैंड रणबीर सिंह।
ओहो अच्छा 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 फिर ठीक है अच्छा फिर ठीक है जुड़ी तो आप डेली जुड़ा करिए आप डेली जुड़ा करिए आप तो ठीक है मैम ठीक है ओके गीता कोरिया जी हाँ जी इन्होंने पहली बार अपनी वाइफ को जोड़ा है टांग साहब ने अच्छा बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब आपको टांग साहब बहुत बहुत साधुवाद आपने किरण बहन जी को जोड़ा ठीक है अपना परिवार हाँ अपना परिवार बड़ा हो रहा दिन प्रतिदिन हाँ परिवार बड़ा होगा तो हाँ डेली सुना करो आप भाई साहब के साथ सुनती हूँ डेली सुनती हूँ बस जुड़ना मैं सोचती चल जुड़ी जाती हूँ हाँ चलो अच्छा लगा ओके जी नमस्ते जी मैं मीना अम्बेडकर बोल रही हूँ उत्तर प्रदेश बलिया से हाँ जी मैम बोलिए मीना जी बोलिए आज आज कई महिलाएं जुड़ी हैं बनारस से जुड़ी हैं आशा देवी टीटी हैं रेलवे में अच्छा जी अच्छा बुला लो फिर आप मीना जी आप बोलो आपके पर्चे थे बुलाइए आप प्लीज आशा मैम बोलिए आप आशा मैम आवाज हमारी सुन रही मीना जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज मैं खाना बना रही हूँ सॉरी हेलो जी मैम जय भीम नमो बुद्धाय ओके जय भीम नमो बुद्धाय जी आशा जी हाँ जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जरा वीडियो ऑन कर लीजिए मैम अच्छा 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 नहीं वीडियो ऑन नहीं है दीपा मैम मुरादाबाद से जुड़ी है अच्छा जी नहीं रहा मैम हमारे आज थोड़ी सी बारिश हुई है ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आवाज नहीं आ रही है मीना जी वो इनको बोलो कि ये अपने ने नंबर चैट बॉक्स में डाल दे आशा जी हाँ आ गया आपका तो वीडियो आ गया आशा मैम अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़िए हाँ जी पूनम गौतम जुड़ी है अच्छा जी पूनम जी पूनम गौतम जी को भी बोलो आप बोला पूनम गौतम जुड़ी है लक्ष्मी आवाज ही नहीं आ रही है हमारा ही मोबाइल डिस्टर्ब है नेटवर्क नहीं आ रही आपकी आवाज आ रही है उनको बोलो वो उधर पूनम जी की आवाज नहीं आ रही लक्ष्मी राज भोपाल से जुड़ी हुई है सुधा मैडम जी सुधा जनबंधु नागपुर से सुधा जनबंधु हाँ पूनम जी पूनम गौतम जी गोरिया जी हैंड्रेज लो पहले हैंड्रेज हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए हाँ सुधा जनबंधु मैडम जुड़ी है मैडम अच्छा सुधा मैम वो सुन ही रहे हैं आप सुन पा रहे हैं मेरे को जय भीम जी सभी को जय भीम हाँ हाँ बोलिए हेलो हाँ जी हाँ जी नमो बुद्धाय जय भीम पढ़ते दीजिए अपना हेलो जी जय भीम नमो बुद्धाय हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय मैम कहाँ से हैं नागपुर से हूँ सुधा जनबंधु अच्छा अच्छा डॉक्टर सुधा जनबंधु यस यस डॉक्टर सुधा जनबंधु नागपुर से आज मैम पहली बार जुड़े हो हाँ पहली बार योगिता मैडम ने भेजा था लिंक आज अच्छा हाँ. अच्छा डॉक्टर साहब अपना नंबर ना चैट बॉक्स में डालिए प्लीज है और आप हाँ. बने रहिए अच्छा लगता है ऐसे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है ओके 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 हाँ जी हाँ जी सोशल वर्कर ठीक है डॉक्टर साहब वेलकम आपका बहुत बहुत मैडम जी प्रिया डॉक्टर प्रिया ज्वाइन हुई है उसको भी ले लीजिए डॉक्टर प्रिया जी अपना पर्चे दीजिए प्लीज डॉक्टर प्रिया भगत गुड
गीता जी कोई दक्ष 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 जुड़े हैं गुरु? वो दक्ष तो उसका बेटा है, वही तो नहीं गुड़गांव से एंड्रेज है। हाँ जी मैम। हाँ हाँ दक्ष है। हाँ बोलो। अरे तीता सोती नहीं। मैम जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय। और मैम मैम कैसे हो आप? बस बढ़िया। अच्छा अच्छा लगता है आप डेली जुड़ते हो। हाँ जी मैम। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बस ऐसे ही जुड़ते रहो। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर एम एम मायावती है। हाँ जी डॉक्टर एम मायावती। जय भीम नमो बुद्धाय मैम। हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ मैं बुलेन सर से अनीता राज और हम तो शुरू से जुड़े हैं। हाँ अनीता जी। जी जी शुरू से जुड़े हुए हैं। जो मेरी नई बहनें हैं मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक या दो दिन में तो हम कुछ नहीं सीख पाते, तो मीटिंग उनको डेली ज्वाइन करनी चाहिए। सुनते रहें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ कुछ बहन ऐसी होती है कि उनको बोलो कि ज्वाइन करो तो वो करती नहीं है, कहती है कि क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सुनते रहें, आपको एक ना एक बार समझ में आ जाएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो वनिता जी, बिल्कुल ठीक। हाँ एक दिन में तो कुछ भी समझ नहीं आता, एक दिन में कुछ नहीं आता, इसलिए हमें रोज जुड़ना है यहाँ पर, तभी हमको पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, दो दिन में भी नहीं आएगा, हो सकता है एक हफ्ते में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, एक महीने में समझ आ जाए, लेकिन हाँ जी पर्चे दीजिए बोलिए। सतीश कुमार के नंबर से बोलिए। बहन जी बोलिए। माइक म्यूट है मैम, माइक अनम्यूट करिए जी मैम। सब आ जाएगी तो जी भी मैम। तो रही सब। हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय। जी मैं पापा ने ऐड किया मैम मुझे। अच्छा पापा का नाम सतीश कुमार। अच्छा जी अच्छा अच्छा वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात बेटा, वेलकम, थैंक यू मैम, आपका स्वागत है। हाँ जी संग में और डेली जुड़िए तभी समझ आएगा, ठीक है ना? और पापा को तो समझ आ ही रहा है फिर तो। अच्छी स्वीटी नाम है मैम। ओके ओके क्या कर रही है? आप स्टूडेंट हैं मैम, पूछ रही है कि हेलो योगेंद्र जी किशन में क्या कर रहे हो? जी सर जी बोलिए। मैं कह रहा था सर एक शाम चंद बसेरा जी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जरा कॉल को ले लो। शाम सिंह बसेरा जी। हाँ जी हैंडीकैप है, डीडी से रिटायर्ड है। बुला लीजिए बुला लीजिए सर बुला लीजिए बुला लीजिए। हाँ शाम चंद बसेरा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना परिचय दे दें आके। हाँ जी मेरा नाम कॉमरेड एस सी बसेरा है। ओके जी हेलो, और मैं डीडीए से रिटायर हूँ जी। स्वागत है सर आपका। वर्तमान में कॉपरेटिव सोसाइटी चलाता हूँ जी और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और समाज में बढ़ चढ़ करके काम करने की तमन्ना है। धन मन है मेरे पास, धन तो है नहीं। और मैं बड़ा आभारी रहूंगा कि आप मुझे इस ग्रुप में शामिल करें। नहीं 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 हम आभारी रहेंगे जी, हमारा परिवार बढ़ रहा है। एक मिनट बहन जी शांत रहें जरा, एक मिनट के लिए बस, एक मिनट के लिए। सर अपना नंबर बोल दीजिए मुझे। 8 1 5 1 7 5 1 7 9 0 9 0 3 8 1 3 8 1। यस सर। सर कहाँ से? और मैं क्या चला गया सर, कहाँ से हैं? लेवल के तो मैं डायन कर रही हूँ। सर आपका माइक अनम्यूट हो गया शायद, मतलब मैंने ही करा नहीं। हाथ जाने कहाँ को? दिल्ली से हैं सर ये। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका सर। और मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता हूँ। हेलो हाँ, मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता हूँ, उसमें लगभग 150 आदमी मेरे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि 150 आदमी भी आपके साथ में जुड़ो।
सर 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 साधुवाद आपको। हेलो जी सर जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सर? हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ एक मीटिंग भी कराऊँ आपकी। ठीक है सर, ठीक जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको सर। सर आपका नंबर, सर आपका नंबर, सर आपका नंबर ले लिया, नंबर से बात कर लेंगे सर अभी थोड़ी देर में। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सर, बहन जी बहन जी कंटिन्यू करें आगे। नहीं वो अभी कंसेप्ट का टाइम हो गया, सब करा लो बहन जी, करा लो। हाँ जी, हेलो हेलो अरुण साहब। हाँ जी जय भीम, अपना ना ये जरा वीडियो ओपन करिए। जी प्रदीप कुमार बहुत बोल रहे हैं दतिया से। अच्छा दतिया से? हाँ, हमारे एक दोस्त जुड़े हैं मुकेश कुमार द्वारे जी, पर्चा देना चाह रहे थे। ओके जी, ओके ओके। आप पहले से जुड़े हुए, पहली बार जुड़े हो आप भी? नहीं, हम तो पहली बहुत दिनों से जुड़े हैं इसमें। अच्छा जी, अच्छा, ओके जी। हमारे जो मित्र जुड़े हैं उनका परिचय दिलवाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब मित्र का नाम क्या है? अच्छा आपके साथ ही है, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, वो क्या नाम, मुकेश कुमार दोरे, दतिया से जुड़े हैं वो, हम भांडर से हैं। अच्छा जी, मुकेश कुमार दोरे। हाँ मुकेश कुमार दोरे जी अपना परिचय दें। हाँ बोल दो आप। हेलो मुकेश कुमार दोरे जी, हमारी बात सुन रहे हैं तो परिचय दें आप। जी जी, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पहली बार आज इस मीटिंग से जुड़ रहा हूँ, मुझे इस मीटिंग का तो मुझे कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, लेकिन प्रदीप सर ने बताया तो मैं फर्स्ट टाइम इससे जुड़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है इसमें। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मिशन की जहाँ बात हो रही है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल, मैं मुकेश कुमार दोहरे हूँ और शिक्षक पद पे वर्तमान में कार्यरत हूँ। अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना जी। मैं दतिया से हूँ, दतिया में ही निवास करता हूँ। ओके भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और आज अभी कंसेप्ट होएगा, आप सुनना और आपको तो जल्द समझ आएगा, क्योंकि आप तो टीचर हो, आपका तो काम यही है, तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा समझ। जुड़ने और जोड़ने का काम है। वेलकम भाई साहब आपका संग में। बिल्कुल, हाँ जी, मुकेश कुमार जी, दतिया तो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी हाँ जी, हाँ ममता अहिरवार जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश छतरपुर से। ममता अहिरवार जी, उनका परिचय कराइए प्लीज। ओके जी, ओके। ममता जी सुन रहे हो आप? आ जाओ ममता जी। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रितु हिसार से। अच्छा जी रितु। हाँ जी। अच्छा रितु जी, पहली बार जुड़े हो आप? हाँ जी। अच्छा, लिंक कहाँ से मिला? मेरे हस्बैंड के थ्रू। क्या नाम है? रवि कुमार। अच्छा जी, रवि कुमार। अच्छा, और रितु जी क्या करते हो आप, हाउसवाइफ या वर्किंग हो? मैं हाउसवाइफ विद वर्किंग, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा लगा रितु जी, वेरी गुड। स्वागत है आपका संघ में। अभी डिस्टरबेंस आ रहा है, बने रहिए मैडम। नौ दस हो गए। हाँ जी, मैं पहले ही बोल रही हूँ भाई साहब, कंसेप्ट के लिए सर को बोल लो। आज कसारे मैडम का कंसेप्ट है, कसारे मैडम का, कसारे मैडम, कसारे मैडम। ये हैंडरेस था डॉक्टर माया देवी जी का, हैदराबाद से। अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो कृपया अपना परिचय दीजिए। हेलो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हेलो जय भीम मैडम जी, बोलिए बोलिए। हाँ सुन पा रहे हैं। मैं डॉक्टर माया देवी, हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ, यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में। तेलंगाना हैदराबाद से हूँ मैं, और आज जो है पहली बार आपके साथ जुड़ी हुई हूँ।
और ये जो लिंक है ये मेरे पति द्वारा मुझे मिला है जी। मैम मैम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैडम। आप रोज जुड़ी? अच्छा लग मैडम। मैम ये मीटिंग रोज 8 बजे से होती है, आप डेली जुड़िए। और वैसे ये 10, 20, और 30 तारीख में जो बहुत व्यस्त महिलाएं हैं रोज टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि 10, 20, 30 तारीख में अवश्य जुड़े। थैंक यू मैम। कंचन लता बहन जी, एक बहन जी विलासपुर से हैं, संजय मित्रा करके अपना अपना जल्दी आप उनका सर इनवाइट करिए। संजय मित्रा बहन जी का परिचय ले लीजिए आप। संजय मित्रा बहन जी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो अपना परिचय दीजिए। अभी शोभा लाल जी भी, उनके पति उनके शोभा लाल जी साथ में हैं। संजय मित्रा बहन जी आप सुन रही हैं तो परिचय दीजिए। जी नमोध्याय, मैं बिलासपुर से मनीषा मित्रा अपने पति संजय मित्रा के नाम से जुड़ी हूँ और मुझे देसेलाल भाई साहब जी ने जोड़ा है। आज मैं पहले दिन आपसे संपर्क में आई हूँ। जी बहन जी बोलिए। हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए बहन जी। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मनीषा मित्रा, संजय मित्रा पति का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम संजय मित्रा, मैं बिलासपुर से आज जुड़ी हूँ। बेचेलाल भैया जी की तरफ से मुझे जोड़ा गया है जी। पहली बार मैं जुड़ी हूँ यहाँ जी। मैम ये मीटिंग डेली होती है मैम जी, आप डेली जुड़ा करिए जी। जी धन्यवाद बहन जी। अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें या फिर बोल दें? जी मेरा नंबर बोल देती हूँ जी। 702 72 45 45 99 99 656 656 56। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। बेचेलाल जी को साधुवाद और गिरिजीश भारती जी को साधुवाद, आपको समय दिया जुड़ने के लिए। आप डेली जुड़िए बहन जी, आपको साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद। एक आनंद कृष्ण जी है सर, योगेंद्र सर जी। सर इनवाइट करिए। आनंद प्रसेनजीत जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दे दीजिए। भाई साहब आनंद प्रसेनजीत जी, हेलो हेलो जी, आप अपना परिचय दीजिए। आपको बेचेलाल भाई साहब जी ने लिंक दिया। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए जी। मैं ओम प्रकाश, जिला रामपुर से, नमो बुद्धाय जय भीम। और मेरे बड़े भाई चंदू सिंह ने मुझे आज बताया लिंक से जुड़ने के लिए और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर रामपुर से हैं आप? ठीक है सर जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। सर अपना नंबर बोल दें सर, नंबर जी 82185 82185 82185 जी 222 59। ये नंबर मेरा है। ठीक है सर, बने रहें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश भाई साहब जी, बुलाओ बहन जी। मैं ये कह रही हूँ, वो रिक्वेस्ट भी आ रही है एक बार, वो सुधीर सरकार तो बुलाए, 10 मिनट का कंसेप्ट करा लो एक बार। नहीं, होगा होगा बिल्कुल। ये 2-3 हैंडरेज लीजिए फिर सुधीर सर को बुलाते हैं। नहीं ले लो फिर, वो लोग ने सोचते हैं कि ये होएगा। ठीक है बुला लेते हैं सुधीर सर। हाँ जी पहले बुला लो। हाँ जी सुधीर सर, आए सर आए, आपका स्वागत है। और बताएं भगवान बुद्ध के समय में किस तरह से महिलाओं के लिए शिक्षा दी जाती थी और कैसे रहते थे सर, बताएं। ये जो अभी जो कंसेप्ट आपने सुना और हमारी जो एक प्रोफेसर बहन ने दिया,
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.